हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्प्लेंडर के लिए सलेंसर, जो कि आपको मिलने वाला है शिमो कंपनी का। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये हमारा कुछ सलेंसर का लुकिंग कुछ ऐसी आती है जो कि आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। सो गाइस मैं इसकी वो दिखा देता हूँ आपको मार्का। ये ओरिजिनल सलेंसर है, ओरिजिनल जो सलेंसर होगा उस पर मार्का होता है हमारे यहाँ का, आप देख सकते हैं। मैं पूरी पैकिंग उतार के आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं जो सलेंसर है बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। अगर आपको अपनी स्प्लेंडर बाइक में BS6 में लगवाना है तो लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी दुकान है। तो कुछ लोगों ने कहा था आपकी दुकान कहाँ पे है, तो मैंने इसलिए दुकान का पूरा एड्रेस डाल दिया है। बोर्ड देख के आप आ सकते हैं हमारी दुकान में। तो मैं अपने बंदे को बोल रहा हूँ ये इंस्टॉलेशन आपको करके दिखा देते हैं। तो हमारी आप दुकान पर आओगे तो पहले हम इसको इंस्टॉल करके आपको दिखा देंगे एक बार, आवाज़ चेक करिए, उसके बाद हम पूरी फिटिंग कर देते हैं। तो गाइज़ हमारी शॉप पर आइए आप, पहले कितने भी सिलेंसर चेक करवाइए, 1 2 3 4 कितने भी सिलेंसर चेक करिए, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ आपके 50 रुपये लगने वाले हैं चेक कराने के, और कोई चार्ज नहीं लगेगा। मिस्त्री के होंगे वही 50 रुपये जो चेक करने के लेते हैं, बाकी हमारा कोई चार्ज नहीं है। आपको लगवाना है लगवा लो, और नहीं लगवाना है ना लगवाओ। सो गाइज इसको पहले से फटाफट से इंस्टॉल करके उसके बाद हम आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं तो इसके कैसे साउंड निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी बाइक है स्प्लेंडर, जो कि BS6 मॉडल है अभी का ही। तो गाइज इसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं सिलेंसर। सो गाइज अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आप देख सकते हैं जो सिलेंसर है आगे से हमारे 2 बोल्ट मिलेंगे, इसमें बाहर निकाल के आपको सिंपल से आपको निकाल लेना है। तो इसके बाद मैं आपको इसकी टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ, पहले थोड़ा सा चेक करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद पूरी फिटिंग करने के बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा पूरी सही तरीके से आवाज़। तो फिलहाल मैं इसकी ऐसे ही आवाज़ चेक कराता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ऐसी कुछ आवाज़ ऐसे निकलती है। तो गाइस जो इसका पीछे से होता है, पीछे से पूरा गोल्ड सिलेंसर मिलेगा, जिससे इसकी लुकिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, जो कलर हमारा गोल्डन कलर का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं साउंड जो है हमारे बहुत अच्छे निकल रहे हैं। तो बहुत अच्छा सिलेंसर होने वाला है, आप अपनी स्प्लेंडर बाइक में BS6 में से इंस्टॉल करा सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये आवाज़ अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं, या अगर कोई वीडियो में आपको क्वेश्चन पूछना हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। या आपको कोई सी बाइक हो, आपको कोई भी वीडियो बनवानी हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए अच्छी और वीडियो ला सकें। सो गाइज ये जो सिलेंसर है ये फाइनल हो चुका है, तो उसके हम पूरी इंस्टॉलेशन करके आपको दिखाते हैं, पूरी इंस्टॉल करके आपको सिलेंसर को, फिर उसके बाद आवाज़ चेक कराते हैं। वीडियो में आखिर तक लेके आप बने रहें, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से इसकी आवाज़ चेक करा सकूँ तो कैसे साउंड इसके निकलते हैं। सो गाइज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइए। सो गाइज़ आपको ये 19 नंबर का नट मिलेगा, जो कि आप इसे खोल लेंगे आराम से। खोलने के बाद आप इसको सिलेंसर को लगाएंगे, तो इसको फटाफट से हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसके अंदर हम इस सिलेंसर का जो होल है वो ऐसे इंस्टॉल करेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइज़ बोल्ट खोलने के बाद सिंपल से आपको ऐसे सिलेंसर लगाना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं BS6 का जो सिलेंसर होगा वो जो हमारी एंगल है, एंगल के ऊपर को ही इंस्टॉल हो जाता है जो BS6 का सिलेंसर होगा, क्योंकि इसकी जो पत्ती होती है वो थोड़ी अलग होती है, तो उसके ऊपर को ही आसानी से लग जाएगा। जो BS4 का होता है उसको एंगल निकालनी पड़ती है हमें, तो BS4 का अगर हम BS6 में सिलेंसर लगा रहे हैं तो एंगल निकाल के जब लगेगा इंस्टॉल होएगा, तो इसको सिलेंसर जो है हमारा ऐसे ही इंस्टॉल हो जाएगा। जो कि BS6 का सिलेंसर है ये, तो प्रॉपर फिटिंग का सिलेंसर है ये, ऐसे ही इंस्टॉल होगा। तो सिंपल से एक पेच आपको आगे पीछे लगाना पड़ेगा, 2 पेच आगे के खोल के आपको आप इसे आराम से इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपकी बाइक में फिर भी आवाज़ नहीं बननी है तो आप क्या करेंगे, इसका सिंपल सा पैकिंग चेंज करेंगे, पैकिंग चेंज करने के बाद आपकी आवाज़ बन जाएगी। सो गाइस वीडियो मैंने बताया आपको, हमारी दुकान का एड्रेस मैंने पूरा डाल दिया है, पूरा बोर्ड के साथ डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो आप आवाज़ दिखा देता हूँ मैं, बिल्कुल भी सिलेंसर लीकेज नहीं है।
लेकिन चेक करने का तरीका मैं इसमें सिलेंसर में वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। आप सिलेंसर के पीछे हाथ रख लीजिए, हाथ रखने के बाद आपको पता लग जाएगा हवा कहीं से लीक होने रहा है सिलेंसर। अच्छा जी, तो गाइस देख सकते हैं आप हमारे सिलेंसर के साउंड जो है बहुत अच्छे निकल रहे हैं। तो गाइस आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये बात कैसे लगी सिलेंसर की। तो गाइस देख सकते हैं आप हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी, तो बारिश में हमने सिलेंसर इंस्टॉल किया है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी स्प्लेंडर प्लस बाइक है, BS6 मॉडल बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारी दुकान है, हमारी दुकान का एड्रेस है, आप हमारे दुकान पर आ सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।